स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल CHO अकेडमी। दोस्तों, UPNHM की तरफ से स्टाफ नर्स को लेकर बहुत बड़ी अपडेट्स जारी हो चुकी है हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले आपको सूचित किया जा रहा है, जो स्टाफ नर्स 17,000 वैकेंसी थी उसकी आंसर की है वो रिलीज कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ और जितने भी प्रोग्राम वाइज आपने जो वैकेंसी निकली थी और जो पेपर्स दिया है उसके आंसर की आप लोग देख सकते हैं, अपने आंसर मैच कर सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ऑफिशियल UPNHM की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है। यहाँ पर जो सबसे पहले हेडिंग है, ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट फॉर स्टाफ नर्स पोजिशन CBT हेल्ड 18-20 जनवरी 2023। 25 जनवरी का यहाँ पे नोटिस आप देख पा रहे हैं और सबसे पहले वाली हेडिंग है ये यहाँ पर रिलीज कर दी गई है UPNHM स्टाफ नर्स के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, हर एक वैकेंसी की अपडेट जानने के लिए। आगे भी हम बताते रहेंगे और जो वीडियो है दोस्तों उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। बाकी बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि सारी जानकारी आप लोगों को मिल सके। अब आप लोगों को यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ नर्स है इसको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ इसमें अंदर क्या है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कैंडिडेट लॉगिन आईडी वाला ये वाला पेज है वो निकल के सामने आ जाएगा। इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी यूज़र आईडी डालनी होगी यहाँ पर, और उसके बाद आपका पासवर्ड है वो डालना होगा, और जो ये कैप्चर दिया हुआ है ये यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पर मेंशन करने के बाद इसको आप लॉगिन बटन पे सबमिट कर सकते हैं और अपनी आंसर की है वो मैच कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, कितने कितने कौन कौन से प्रोग्राम में किसके कितने कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं। उसी के बाद आप लोगों को शानदार, वैसे मैंने कटूब का वीडियो बना दिया था ऑलरेडी, बना चुका हूँ और आप लोग देख चुके हैं उसको, कमेंट भी कर चुके हैं। बाकी अलग से एक और वीडियो बना देंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टोटल कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपके क्वेश्चंस राइट हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, न्यू वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।